और ये देखो गाइस, स्नो में ढक गई हुई, ऐसा हो गया था। और सब गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस, इस कंडीशन में कार खड़ी होके देखे आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा ही है, मैं कार वॉशिंग के लिए लगा रखी है, कार वॉश कर रहा हूँ मैं। पहले इससे इस वीडियो से पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, जो कार वॉशर मंगवाया था मैंने कार के लिए ऑनलाइन, और वो भी अंडर 6000 के अंदर, शक्ति का, और 1800 वॉट का रहने वाला था जो। तो गाइस, मैं उसे जो कार वॉश कर रहा हूँ, लेकिन गाइस प्रॉपरली एक तरीके से होता ना, मतलब प्रॉपरली किट नहीं आ पाई थी, जो जो ट्रीटमेंट, लग्जरी ट्रीटमेंट मैं चाह रहा था घर के अंदर ही, जो अपन बाहर एक्सपेंसिव कार वॉश स्टेशन पे जाके जो कार का वॉशिंग करवाते हैं, लग्जरी टाइप की ट्रीटमेंट मिलती है वहाँ पे, और फॉर्म बनते हैं कार के ऊपर, ऐसा फॉर्म बनाते हैं, यानी कि ऐसे बिल्कुल एक तरीके से नेक्स्ट लेवल मज़ा आ जाता है कार को देख के, और इतनी शाइनिंग होती है शैम्पू के अंदर। और मैंने जो ऑनलाइन जो कार वॉशर मंगाया था कार के लिए, वो ये रहने वाला था, मैंने पहले की वीडियो में दिखाई दी आपको। तो गाइज़, इसका जो प्रॉपर किट थी वो आ नहीं पाई थी। गाइस, प्रॉपर किट में जो फोम कैनन थी इसके साथ आती है, कंपनी फोम कैनन देती है, लेकिन गाइस जो फोम कैनन के नाम पे धब्बा है, वो नॉर्मली मतलब जो हाथ से आप झाग बनाते हो, जो वो शैम्पू डाल के, जो बाल्टी के अंदर शैम्पू डाल के, जो उससे जो झाग बनते हैं हाथ से, जो बन जाते हैं, वो फोम कैनन भी नहीं बना पाता। तो गाइस, इसके लिए जो कंपनी देती है फोम कैनन, कोई काम का नहीं था, इसलिए अलग से फोम कैनन मंगाना ज़रूरी पड़ गया था मेरे लिए। तो गाइस, साथ में मैंने शैम्पू भी मंगाया था, ये एनआर का शैम्पू, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और ये मेरे को ये 1200-1300 के आसपास बढ़ा था शैम्पू भी। तो गाइस, मैंने इसके लिए अलग से सेपरेटली फोम कैनन मंगाया, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से अपनी कार को वॉश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मज़ा अच्छी तरह प्रॉपरली नहीं आ पा रहा था। तो लेकिन अब वो मज़ा फुलफ़िल हो गया इस फोम कैनन के मंगाने के बाद। तो गाइस, मैंने ये फोम कैनन अलग से मंगाया है, ये रहने वाला है IMX का फोम कैनन, और इसके साथ कनेक्टर भी मिलता है आपको, और ये आपको इजीली फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इजीली आपको। मैं इसको अभी चेक करूंगा, अभी इसको मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग करी है। तो गाइस, साथ में आपको ये कनेक्टर मिल जाता है, जो कि और कंपनी नहीं देती, और ये ऐसा फोम कैनन आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। ये IMX का ही, जो IMX ये कंपनी है, जो ये सिर्फ ये प्रोवाइड करवाती है आपको अच्छी चीप प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी वाला फोम कैनन। बाकी अगर आप सर्च करोगे तो आपको 3-4 हज़ार से या फिर 2000 से कम कोई फोम कैनन नहीं मिलेगा अच्छा कंपनी का। और आपको तभी भी कनेक्टर, ऐसा कनेक्टर लेना पड़ेगा। ये कनेक्टर बेसिकली गाइस किस चीज़ में यूज़ होता है, जो ये आपकी कार वॉशर गन होती है, ये यहाँ से रिमूव होके ये दोनों के बीच में ऐसे कनेक्ट करता है, तो इसके लिए क्विक कनेक्टर बोलते हैं, और ये अलग से परचेज़ करना पड़ता है कई फोम कैनन में, लेकिन ये कंपनी साथ में देती है। तो ये अगर अलग से परचेज़ भी करते हो तो गाइस ये 300-400 के आसपास पड़ता है, लेकिन कंपनी इसके साथ ही देती है 1300-1400 के अंदर। तो अभी चेक करते हैं कितना फोम बना पाता, नहीं बना पाता ये फोम कैनन, और ये वर्थ इट है या नहीं है। तो गाइस, लेट्स सी, अभी चेक करते हैं। एक बार मैंने अच्छे से कार वॉशर से सिर्फ पानी पानी से कार वॉश कर लिया है, अब बारी है जो फोम कैनन मंगाया था उसकी टेस्ट करने की। तो गाइस, अभी मैं इसको इसके अंदर शैम्पू मिला के, ये है ना शैम्पू, और फिर इसको कनेक्ट करके फिर टेस्ट करते हैं कि क्या रहने वाला है। एंड गाइस, लिटरली जो मशीन मंगाई थी वो काफ़ी वर्थ इट लगी मेरे को, और इसका जो प्रेशर है माइंड ब्लोइंग है। अगर आप टेप वाल्डर से कभी अपनी कार वॉश करते हो तो अगर आप ये यूज़ करोगे ना, तो आपको इतना डिफरेंस लगेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। अगर आप पहली बार ऐसे कार वॉशर यूज़ कर रहे हो तो हाई प्रेशर वाला। तो गाइस, फाइनली जो लग्जरी ट्रीटमेंट मेरे को चाहिए था अपनी कार के ऊपर, घर के अंदर और खुद से, वो मिल चुका है, वो सिर्फ इस IMX फोम कैनन के बदौलत। तो गाइस, अभी आप देखो कितना फोम है, और अभी गाइस मेरे को लिटरली मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कितना कितनी क्वांटिटी में जो शैम्पू है वो डालना चाहिए, और शैम्पू भी अच्छा गाढ़ा है जो मैंने परचेज़ किया था, और अच्छी क्वालिटी का है, जो 3000-3500 के आते हैं उनके टक्कर का है, बिल्कुल बराबर का है। एंड गाइस, मेरे को पता नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में पानी मिलाना पड़ता है, कितनी क्वांटिटी में शैम्पू रखना पड़ता है। तो गाइस, मैंने इतना से इतनी क्वांटिटी के अंदर शैम्पू मिलाया और इतनी क्वांटिटी के अंदर वाटर, तो मैं कोई आइडिया नहीं था। फिर भी गाइस, लिटरली अभी टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में एक हाथ से वीडियो बना नहीं सकता था, तो फोम जो स्टार्टिंग में तो वो और भी ज़्यादा फोम थे जो बह के जा रहा है, देखो सला। लेकिन गाइस, लिटरली अगर मैं इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम रखता तो इतना गाढ़ा झाग होता गाइस, लेकिन फिर भी देखो गाइस बहुत गाढ़ा झाग है। और अभी गाइस मैं वापस से आपको बना के दिखाता हूँ तो जो ये फोम कैनन है, क्योंकि गाइस जो ये
फॉर्म के रहना है, आपको इस चीप प्राइस में नहीं मिलेगा जो IMX जो IMX अवेलेबल करवा रहा है, आपको 2 से 3 हज़ार के अप्रोक्स पड़ेगा फॉर्म कैनन। उसके अंदर भी आपको कनेक्टर नहीं मिलेगा काफ़ी फॉर्म कैनन के अंदर। तो गाइस अभी मैं वापस से फॉर्म कैनन से वापस से जो फॉर्म है अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर दिखाना गाइस। देखो भाई लिटरली गाइस बहुत मज़ा आ गया। देखो अभी भी कितना गाढ़ा है जबकि मैंने पानी क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा रखी है। तो गाइस मेरे को काफ़ी वर्थ इट लगा ये फॉर्म कैनन और ये शक्ति की कार वॉशर। तो गाइस अभी मैं इसको अच्छी तरह पूरा वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वापस से दिखाता हूँ कि कितनी शाइनिंग आई है शैम्पू के कारण कार के अंदर। और इससे क्या फ़ायदा हो जाता है गाइस, एक तो आपको कार के अंदर लग्जरी ट्रीटमेंट मिल जाता है, और आपको जो फॉर्म कैनन लेके बस आप आगे पीछे से अच्छी तरह पूरा जगह स्प्रेड कर दो, और सिर्फ आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सिर्फ आपको रबिंग करनी है। और रबिंग गाइस आपको यानी कि सर्कुलर मोशन में नहीं करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल मोशन में करना है, क्योंकि ऐसे और स्क्रैच पड़ने के चांस होते हैं। और गाइस हमेशा ये याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी कार वॉश करो तो ऊपर से स्टार्ट करो, ताकि ऊपर गंदगी कम रहती है और नीचे ऐसे मड फ्लैप वगैरह में ऐसे गंदगी काफ़ी रहती है इधर ऐसे जगह टायर के आसपास, तो उनको उसको लास्ट में करो, ताकि आपका माइक्रोफाइबर क्लॉथ का कपड़ा जल्दी से गंदा भी नहीं होगा। तो अभी गाइस अभी अच्छी तरह पूरा वॉश कर लेता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ फॉर्म, उसके बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको पूरा वर्क अराउंड करके फिर दिखाता हूँ। और गाइस है ना, मैं जब कार वॉश कर रहा था सब नोटिस कर रहे थे, सब देख रहे थे ये हो क्या रहा है, यानी कि मतलब नई चीज़ उनके लिए, इतने फॉर्म देखे नहीं उन्होंने अभी, वो क्योंकि नॉर्मली साफ करते हैं जो भी वॉश करते हैं। देखो गाइस पूरी कार ऐसे मतलब जैसे स्नो में ढक गई हुई, ऐसा हो गया था। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी कार वॉश कर ली है, और कार वॉश करते करते मेरे को बिल्कुल रात हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो आती रहती है, एक से एक एंड DIY टाइप मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।